थ जी गुरु जी को अलग आदेश माँ भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश आज एक समस्या के बारे में मैं बात करूंगा और उसका समाधान भी दूंगा और ये समस्या ऐसी है जिससे आप लोग सब परेशान रहते हैं जो भी शुरुआती तौर के साधक होते हैं उनको इस परिस्थिति से या फिर इस सिचुएशन से गुजरना पड़ता है होता क्या है जब आप ध्यान करने बैठते हैं या पूजा करने बैठते हैं अर्थात जब आपका मन और चित्त शांत होता है उस समय दिमाग में उपद्रव चलने लगता है जिस समय आपको लगता है कि आपको शून्य में महाशून्य में स्वयं में या देवी देवता का ध्यान करना चाहिए उस समय दिमाग सबसे ज्यादा माया से जो भी बिल्कुल गिरी हुई चीजें हैं उनके बारे में सोचता है आपको बहुत अश्लील विचार आ सकते हैं आपको बहुत वॉयलेंट विचार आ सकते हैं आपको ऐसे विचार आएंगे कि आपको लगेगा छी कितना गंदा सोच रहा हूं मैं और ऐसा सबके साथ होता है ध्यान में, क्रिया योग वाले ये कहते हैं कि जो दिमाग होता है उसमें कई तह बैठे हुए रहते हैं बहुत सारे विचार दबे हुए रहते हैं और वो मतलब विचार भी भोजन की तरह सड़ता है रहने के बाद कोई मृत शरीर की तरह सड़ने लगता है और जितना विचार सड़ता है उतना ही वो कुंठित होता जाता है आप अगर किसी के प्रति दुर्भावना रखो तो वो धीरे धीरे दुर्भावना बढ़ती जाएगी और आप एक स्तर पर पहुंच जाओगे जहां पर आप स्तरविहीन हो जाते हो उस दुर्भावना से उसी तरीके से बहुत सारा विचार आपके मन में कुंठा करके बैठा रहता है आपको नहीं पता है क्योंकि दिमाग का तीन भाग होता है ठीक है एक कॉन्शियस है जो आप हैं, आपका नाम है आपका खान पान है आपका घर है एक सब कॉन्शियस है जो कि अखंड ब्रह्मांड का एक है और एक प्री कॉन्शियस होता है जो आप कुछ चीजें याद करके बताते हैं कई बार इंसान बहुत सारी चीज़ें अडाप्ट करता है वो आइडियाज़ लेता है जहां पे वो गुजरता है जहां पे वो रहता है कुछ चीज़ों को देख के आपने धुतकार दिया ओ हो हो ये किताब बुरा है लेकिन आपके दिमाग ने वो आइडिया ले लिया कि ओ oh, ये तो बुरा है वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में आ गया भले आपने उसको बुरा कहा हो कुछ देख करके आपको बुरा लगा कोई सिनेमा आपने देख लिया कोई किताब आपने पढ़ ली कोई ऐसे व्यक्ति से आप मिल गए ठीक है और ये सारे तरीके की जो चीजें हैं जिसको आपने धुतकार भी दिया वो रिकॉर्ड हो जाता है आपके दिमाग में जब आप ध्यान करने बैठते हैं जब आप पूजा करने बैठते हैं वही एक समय होता है कि आप कोशिश करते हैं कम से कम कि जो रोजमर्रा की परेशानियां हैं उसके बारे में आप ना सोचें जब ऐसा होता है तो जो मस्तिष्क है वो शांत हो जाता है और जो दबे हुए आपके विचार हैं वो बाहर आने लगते हैं तो फिर पूजा क्या होगा अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं और लोग परेशान होते हैं कि मुझे बहुत अजीब अजीब ख्याल आते हैं इसका एक उपाय है इसका एक मेडिटेशन का प्रैक्टिस है जिसको अगर आप करते हैं तो ये चीज़ एक महीने में समाप्त हो सकती है कैसे करना है ये प्रैक्टिस अगर साधक हैं और तब भी इससे आप परेशान हैं तो आपको एक चीज़ की जरूरत पड़ेगी वो है चौदह मुखी रुद्राक्ष की एक चौदह मुखी रुद्राक्ष को लेकर के और उसको अपने त्रिनेत्र पर बांध लेना है जो साधक नहीं है या फिर जो प्राइमरी लेवल के साधक हैं उनको ये करने की आवश्यकता ही नहीं है उसके बाद रात्रि में सोने के पहले आप अपने कमरे में जाएं या कोई भी ऐसे स्थान पर जाएं जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे जहां पर आप जब ध्यान कर रहे हैं आप जब इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं मेडिटेशनल प्रैक्टिस को कर रहे हैं तो कोई बीच में ना आए कोई आपको अवरोधक ना हो और ना आपके दिमाग में ये संशय हो कि बीच में मुझे कोई रोक लेगा आप समझ रहे बात को कई बार बहुत तरह का पूजा क्रिया या ध्यान करते समय घर वाले घुस जाते हैं या आपको लगता है कि यहां मैं बैठा हूं हो सकता है कोई डिस्टर्ब कर दे तो आपको ऐसे स्थान पर बैठना है जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके या सबको बोल के रखो कि आप हमें डिस्टर्ब नहीं करोगे उस कमरे को बंद कर लो कमरे में हवा का जो नेचुरल सोर्स है उसके अलावा पंखा ए नहीं चलना चाहिए लाइट ऑफ होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए मतलब मोबाइल फ़ोन टीवी ऐसा जो भी वस्तु है वो सब हटा दो ध्यान बहुत लोगों को आदत होता है कि म्यूज़िक सुन करके करे तो कोई म्यूजिक नहीं होगा बिल्कुल शांतचित्त एक कमरे को शांत कर दो वातावरण वहाँ का शांत करो बहुत है तो कोई ऑयल डिफ्यूजर जला लो या फिर अगरबत्ती जला लो ठीक है उस कमरे में जो सबसे ऊंचा स्थान है अब अनवारी है तो उस पर नहीं बैठ जाएंगे लेकिन जो बैठने का सबसे ऊंचा स्थान है उस पर जाकर के बैठ जाएंगे ठीक है वस्त्र कम रखेंगे वस्त्र ढीले रखेंगे ताकि आपका शरीर जो है वो सांस ले सके शरीर के हर अंग को सांस लेने का जगह होना चाहिए अगर आप शव आसन में भी लेट रहे हैं तो बाहें आप फैला के रखेंगे ठीक है ताकि आपका जो हाथ है पूरा सांस ले, ले सके अगर आप शव आसन में पैर आगे किया हुआ है तो घुटने के नीचे कुछ तकिया रख लेंगे अगर आप बैठ करके कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है सब ठीक से होगा एक कमर के नीचे कुछ तकिया लगा लेने से रीढ़ की हड्डी सीधी होगी और फिर बैठ जाएगी वहां पर ठीक है इतना करने के बाद आपको अपने मस्तिष्क को खुला छोड़ना है कि वो सोच सके सिर्फ सोच नहीं लेना है जो भी विचार मन में आ रहा है उसको बोलना है अगर किसी के प्रति प्रेम भावना से कोई विचार आ रहा है मैं तो आध्यात्मिक एग्जाम्पल दूंगा <laughs> अगर आपको मन में प्रेम भावना आ रहा हो हो भगवती कितनी खूबसूरत है वहां का विग्रह कितना प्यारा है तो तुम उसी लहजे में बोलोगे कि भगवती कितनी खूबसूरत है कितना अच्छा वहाँ का विग्रह है ठीक है वो प्रेम भाव में बोलोगे किसी पे गुस्सा आ रहा हो महिषासुर कितना बदमाश था उसका चार गालियां भी मन में आ रही है तो वो चार गाली और उसी तेज में तुम्हें बोलना है जिस तेज में तुम्हारे मन में वो विचार आ रहा है विचार गंदा हो अच्छा हो तुम्हें बोलना है और जिस तरीके का विचार आ रहा है जिस लहजे में आ रहा है उसी लहजे में बोलना है एक चीज में ध्यान रखना शुरुआत के कुछ दिन में तुम बोल नहीं पाओगे हो सकता है कि पहला सात दिन ऐसा हो कि जब तुम बैठ रहे हो और उसके बाद तुम अब तैयार हो कि मैं अब सोचूंगा तो तुम्हें विचार ही नहीं आएंगे ये ट्रिक है दिमाग का आप कितना भी कोशिश कर लोगे मन में विचार ही नहीं आएंगे आप सोच करके बैठो आप मुझे विचार करना है तो विचार नहीं आते तो शुरुआत में ऐसा होगा इसमें डरना नहीं है एक बार जब विचार आने शुरू होंगे तो फिर कुछ दिन तक ऐसा होगा विचार आ रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं पहले विचार रहे हैं फिर उसको उसको उसका फिर जो है हम डायलॉग बोल रहे हैं फिर एक सिंक्रोनाइजेशन होगा कि जैसे विचार आ रहा है वैसे इंसान बोल रहा है और इसमें परफेक्ट होने में आपको एक महीने लग जाए एक महीने लगेंगे कम से कम जब आप एक महीने बाद इस तरह पर पहुंच जाइएगा कि आप अपने मन में आया हुआ जो भी विकार विचार है या अच्छे विचार हैं उसको सीधे मुख से बोल पाएंगे उस दिन ये जो तल बैठा हुआ है ये जो मल बैठा हुआ है वो आपके दिमाग से निकल जाएगा और सिर्फ एक महीने बाद आज रात से शुरू करो आज से एक महीने बाद जब तुम पूजा करने बैठोगे जब तुम ध्यान करने बैठोगे तो किसी भी तरीके का कुविचार आपको नहीं आएगा आपको जो कुविचार आता है वो आप नहीं है आपको जो कुविचार आता है वो वो आइडियाज है वो वो इंफॉर्मेशन है जो आपने कहीं अखबार में पढ़ा हो किसी के मुख से सुना हो किसी को देखते हुए बोला हो कि कितना बुरा विचार है और ये जब आपने बोला तो माइंड ने अडेप्ट किया गया अच्छा ये कोई ऐसी चीज है जिसपे हमको अटेंशन देना चाहिए और उसके बाद जब आप शांत मन से बैठते हैं तो माइंड उसी को आप पर लागू करता है कि कहीं ना कहीं तो आप उससे इंप्रेस हुए थे आज के लिए इतना ही ये साधना कीजिए आप विधान कीजिए जिनको बे बेसिक साधना सीखना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी है नंबर है नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप है उसमें आप रुद्रनाथ एट सी फोर सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा डायरेक्ट बात करना है बहुत अर्जेंसी है तो व्हाट्सएप है नंबर है नाइन और वेबसाइट है डब्ल्यू जो अभी डाउन है लेकिन एक सप्ताह में चालू हो जाएगा मां भगवती आप सभी को साधना में सफल करे आप सभी को आदेश आदेश अलाख आदेश